हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। उनसे कहना कि जिस सीता के लिए आप तोबे की दृष्टता सहन नहीं कर सके, आज वही सीता राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। अब आने में देरी की तो मेरा मृत शरीर भी नहीं देख पाएंगे। माता, माँ, तुम कुशल तो हो ना वत्स? जब से मैंने सुना कि रावण ने तुम्हारी पूंछ जलाने की आज्ञा दी है, मैं बहुत चिंता में थी। मैं अग्नि देवता से तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। मैं जानता था माता कि आपके पुण्य प्रताप से ही अग्नि देव मुझे और मेरी पूंछ को नहीं जला सके। माँ, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए नगर पर अधिकार करना सहल हो जाएगा। कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, वो भी आज विध्वंस कर आया हूं। मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। मां, अब आप चिंता न करें, मुझसे यहां का समाचार सुनकर श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। अब जाने से पहले मुझे अपना आशीर्वाद दो मां। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे। तुम अजर हो, अमर हो जाओ और सदा श्री रघुनाथ के लाडले रहो। आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो राम का लाडला होने का आशीष देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर सफल कर दिए। कितनी उदार हैं आप। माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं।
मेरे पास इस समय केवल चूड़ा मणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। कदाचित केवल चूड़ामणि से प्रभु की शंका दूर न हुई तो, क्योंकि ये तो आपके दूसरे आभूषण की भांति कहीं से गिरी हुई भी मिल सकती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें और एक बात याद कराना जो केवल उन्हें और मुझे ही पता है। उनसे कहना कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कवे का रूप धरकर मेरे पैर में चोच मारी थी तो आपने सरकंडे का एक बाण इस प्रकार अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा कि वो तीन लोक में भागता फिरा, पर वो उस बाण से न बच सका। और फिर उसने जब आपके चरणों में आकर क्षमा मांगी तो उसे एक आंख से काना करके आपने छोड़ दिया। उनसे कहना कि जिस सीता के लिए आप एक कौवे की दुष्टता सहन नहीं कर सके, आज वही सीता राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। अब उनका प्रेम क्यों कम हो गया? अब आने में देरी की तो मेरा मृत शरीर भी नहीं देख पाएंगे, ये लोग मेरे टुकड़े करके खा जाएंगी। माता, आपको श्री राम की सौगंध, आप अपना धीरज मत खोइए। आपको कुछ हो गया तो श्री राम का इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। उनको यदि मैं आपकी सारी बात बताऊं तो वो विवल हो जाएंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि वैदेही से कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। इसी से मेरी प्रीत का रहस्य तुम समझ सकोगी। मां, इसके बाद प्रभु से शिकायत करना क्या उचित होगा? नहीं हनुमान, नहीं, ये उचित नहीं है। परंतु दुखी व्यक्ति को उचित या अनुचित का भान नहीं रहता। तुम उनसे इतना ही कहना कि अपनी सेविका को मन से ना बिसारे। तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग सुखद हो। तुम्हें जाने को कहते हुए भी मेरा मन दुख रहा है। तुम्हारे होने से जैसे मुझे समुद्र के अंदर किनारा मिल गया था। तुम चले जाओगे तो वही निराशा का अथाह समुद्र रह जाएगा। नहीं माता, आप आशा का पल्लू न छोड़िए। मैं वचन देता हूं, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी कि श्री राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। देवी मैया तुम्हारा कथन सत्य करे। जाओ वत्स, मेरी ओर से अपने प्रभु के चरण छूना। जाओ।